और चलिए आपको जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। गैंगस्टर पपला के जयपुर में होने की सूचना, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर पपला के जयपुर में होने की सूचना, हरियाणा एसटीएफ ने जयपुर एसओजी को दी सूचना। जयपुर के सीतापुरा इलाके में पपला के छिपे होने की सूचना, सूचना पर सीतापुरा इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। ईआरटी के जवानों ने छान मारा सीतापुरे इलाके का चप्पा चप्पा। हालांकि सर्च ऑपरेशन के अधिकारी नहीं कर रहे पुष्टि, गुप्त रूप से चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। इलाके में सिविल में तैनात किया गया जवानों को हरियाणा एसटीएफ की ओर से बताए गए इनपुट पर चल रहा ऑपरेशन। और सत्यनारायण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है गैंगस्टर पपला के बारे में और किस तरीके के आरोप इस पर हैं, ये भी बताएं दर्शकों को। देखिए, पपला काफी जाना माना नाम है अपराध की दुनिया के अंदर। थोड़े दिनों पहले अलवर के अंदर बैरोड में उसने अपने साथियों के साथ जो उसको हवालात में बंद किया था, तो उसके साथियों ने हवालात से गोलियां चलाई थी, थाने पे गोलियां चलाते हुए अंदर आए थे और पपला को सुला के ले गए थे पुलिस की हिरासत से। तो माना जा रहा है कि काफी बड़ा अपराधी है ये और इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ हरियाणा गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने। लेकिन काफी दिनों से एसओजी और एटीएस को तलाश कर रही थी और पुलिस को सूचना मिली थी एटीएस को एसओजी की पपला सीतापुरा इलाके में आया हुआ है। हरियाणा एसटीएफ ने ये सूचना दी थी और बता दूं आपको, दो दिन पहले से ही एसटीएफ यहाँ बैठी है, लेकिन जब हरियाणा एसटीएफ से डाल नहीं गली तब जाके एसओजी को सूचना दी गई। उसके बाद में पूरे सीतापुरा इलाके को घेर लिया गया है और एसओजी के जवान जो सिविल के अंदर है पूरा मूवमेंट चला रहे हैं और फोर्स चला रहे हैं, जिससे कि जो गैंगस्टर पपला है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि काफी कुछ हद तक ये राजस्थान पुलिस की नाक में इसने दम कर रखा था, राजस्थान पुलिस की नाक काफी नीची हुई थी इस घटना के कारण। तो इसलिए पुलिस चाह रही है कि जल्द से जल्द जो पपला है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसी लिए एटीएस एसओजी के जो ईआरटी और क्यूआरटी के जवान है। नजर रहेगी हमारी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।